नमस्कार बच्चों, आप सभी अपने अपने घरों में मस्त रहें और फिलहाल आप सभी स्वस्थ रहें, ऐसी मेरी कामना है। बच्चों, सर्वप्रथम मैं प्रफुल्ल तिवारी आप सभी को क्लास 9 से क्लास 10th में पहुंचने पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बच्चों, कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते विद्यालय में कक्षाओं का संचालन ना हो पाने की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। इसी संदर्भ में हिंदी में आप सभी को ज्ञात होगा, जैसा कि क्लास 9th में भी आपने देखा था कि दो किताबें चलती थी, पहली है क्षितिज और दूसरी है कृतिका। क्षितिज को मुख्य उत्तर पुस्तिका कहा जाता है और कृतिका को पूरक उत्तर पुस्तिका कहा जाता है। क्षितिज के दो खंड हैं। क्षितिज में दो खंड हैं, पहला है काव्य खंड और दूसरा है गद्य खंड। मुझे मालूम नहीं आप सभी के पास क्लास 10th की हिंदी की बुक उपलब्ध है या नहीं। यदि नहीं भी है तो इस वीडियो के जरिए आप अपनी पढ़ाई आरंभ रख सकते हैं, आगे अध्ययन करते रह सकते हैं, इसको पॉज करके देख करके, और अपने डाउट भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं और आपको आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। पुस्तिका के एक पाठ को समझाने के पश्चात मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगी जिनके उत्तर आपको अपनी एक किसी भी पुरानी कॉपी में, मुझे उम्मीद है आपके पास कोई ना कोई कॉपी खाली पड़ी होंगी, उसमें आपको लिखने, मुझे मालूम है अभी आपने कॉपी शायद नहीं खरीदी होगी नई कॉपी, तो घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके पास जो भी पुरानी कॉपीज पड़ी हैं आप उसमें यह गृह कार्य कर सकते हैं। आप जब स्कूल आएंगे, जब भी स्कूल खुलेंगे, तो यह सारे प्रश्नों के उत्तर जो हैं चेक किए जाएंगे। लॉकडाउन के चलते मुझे उम्मीद है आप अपने घर पर ही कोई ना कोई क्रिएटिव एक्टिविटी अवश्य कर रहे होंगे और अपने परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान भी रख रहे होंगे। लेकिन अब इसके साथ साथ अब पढ़ाई का समय भी आ चुका है, तो वक्त को ज़्यादा खराब ना करते हुए मैं अब सीधे विषय पर आती हूँ। तो मेरा आज का विषय है हिंदी। हिंदी में मैं क्षितिज में पाठ एक से आपको अवगत कराना चाहती हूँ, गद्य खंड पाठ एक जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। नेताजी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक चित्र उभरने लगा होगा, वह चित्र जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक टोपी पहने होंगे, फौजी वर्दी पहने होंगे और एक ऐनक पहने होंगे, ऐनक जिसे हम चश्मा कहते हैं, है ना। तो आप सभी ने देखा होगा और ऐसा ही कुछ इस पाठ में भी बताया गया है। लेकिन पाठ पढ़ाने से पहले, पाठ समझाने से पहले मैं आपको इनके लेखक के विषय में जानकारी देना चाहती हूँ। इस पाठ के लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। जी हाँ, स्वयं प्रकाश जी, जिनका जन्म हुआ था इंदौर मध्य प्रदेश में जन्मे थे सन 1947 में। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश जी का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में ही बीता था। जी हाँ, जन्मे कहाँ थे वे? इंदौर में। और उनका जीवन का अधिकांश समय कहाँ पर बीता? राजस्थान में। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से तात्पर्य क्या है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का अर्थ होता है स्वयं से रिटायरमेंट ले लेना। और वसुधा पत्रिका के संपादन से भी जुड़े हैं। संपादक का अर्थ होता है एडिटर, इंग्लिश में हम इसको एडिटर कहते हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान, यह उल्लेखनीय है। मतलब इन्होंने, इन सारे लेखों ने बहुत प्रसिद्धि हासिल की। इसके अलावा बीच में विनय और ईंधन
उपन्यास चर्चित रहे हैं। उपन्यास इट मीन्स नॉवेल, नॉवेल कहते हैं उसे। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से भी पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया। ये सारे पुरस्कार हिंदी साहित्य जगत में, हिंदी साहित्य में कुछ अच्छी उपलब्धि हासिल करने के उपरांत ही मिलते हैं साहित्यकारों को। मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे एवं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है। मतलब क्या है, जो हम मध्यम वर्गीय जो जीवन होता है, आपको मालूम होगा हमारा जो समाज है तीन वर्गों में विभाजित है। पहला वर्ग है उच्च वर्ग, दूसरा वर्ग है मध्यम वर्ग और तीसरा वर्ग है निम्न वर्ग। तो इस पाठ में जो है स्वयं प्रकाश जी ने मध्यम वर्ग पर प्रकाश डाला है। मध्यम वर्ग के लोगों की जो परेशानियां होती हैं, जो उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, जो उनके ऊपर शोषण किए जाते हैं, तो उनके विषय पर, उनके विषय में प्रकाश डाला हुआ है। इसमें हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। मतलब हमारे समाज में क्या है, जात पात को लेकर के जो भिन्नताएं हैं, भेदभाव है, संप्रदाय को लेकर के जो भेदभाव है, और लिंग अर्थात स्त्री और पुल्लिंग को लेकर के जो भेदभाव है, उसके आधार पर उसमें प्रतिकार का स्वर भी दिखाई दिया है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। मतलब उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इस कहानी को हमारे समक्ष प्रस्तुत करने के का एक अच्छा प्रयास किया है, और मुझे उम्मीद है कि इस पाठ को पढ़ करके आपको बहुत ही प्रसन्नता मिलेगी और यह पाठ आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, और एक बार समझने में ही शायद आपको इसके उत्तर भी अपने आप ही बन जाएंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, इस पाठ में सबसे पहले ये बताया गया है कि देश किसे कहते हैं, देश कैसे बनता है, ठीक है ना। तो चारों ओर सीमाओं से घिरे हुए भूभाग को, भूभाग देश नहीं होता। चारों ओर सीमाओं से मतलब देश जो है कोई लिमिट नहीं है उसकी, है ना। तो देश लिमिटेशन के अंदर नहीं माना जाता है। देश कैसे बनता है, देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों से, नदियों से, पहाड़ों से, पेड़ पौधों से, वनस्पतियों से, पशु पक्षियों से, और इन सबसे प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम, यदि मतलब ये सारे पशु पक्षियों से और सबसे प्रेम करने से और इन सबसे प्रेम करने से के लिए जो प्रयास किया जाता है उसका नाम देशभक्ति है। लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, मतलब सीमाओं के अंदर बंधे हुए क्षेत्र को देश नहीं कहा जाता है, है ना। तो उसमें रहने वालों से देश बनता है, कहने का तात्पर्य है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है। अब यहाँ पर रेखांकित जो शब्द है, रेखांकित का अर्थ यह नहीं है कि रेखा खींचनी है या कोई चित्र बनाना है। रेखांकित करने का अर्थ है शब्दों को, अपने शब्दों को लिखने से तात्पर्य है यहाँ पर, है ना। तो अपने भावों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने को रेखांकित करना कहा गया है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि समाज का प्रत्येक प्राणी किसी न किसी प्रकार से देश में अपना योगदान देता है। देशभक्ति की भावना हर व्यक्ति में होती है। देशभक्ति हम कई प्रकार से जाहिर कर सकते हैं। जैसा पहले भी शायद मैंने आपको क्लास में बताया होगा कि जैसे स्ट्रीट लाइट लगी हुई है तो स्ट्रीट लाइट की सुरक्षा करना, उसको उसकी तोड़फोड़ ना करना, रोडें हैं रोडों में पर गंदगी ना फैलाना, पार्क हैं पार्क का ध्यान रखना, पार्क में कोई टूट फूट ना हो पाए, इस प्रकार से जो भी सरकारी संपत्ति है उसका ध्यान रखना, या जो भी हमारे देश की संपत्ति है, धरोहर है, उसका ध्यान रखना ही सच्ची देशभक्ति कहलाता है। जैसे हमारे घर में एक उदाहरण मैं दूंगी, अपने घर से ही अपन उदाहरण देखते हैं, जिस प्रकार से कि हमारे घर में बिजली हम जलाते हैं, तो जब बिजली जलाते हैं तो जिस समय हमें बिजली का उपयोग करना है उतनी देर हमको बिजली जलानी है, उसके
तुरंत बाद ही हमें स्विच ऑफ कर देना चाहिए। मतलब यदि हमने स्विच ऑफ कर दिया तो ये मानकर चलिए कि हम देशभक्त हैं, और यदि हमने अननेसेसरी बिना वजह के बिजली जलती छोड़ दी तो ये मानकर चलिए हमसे बड़ा देशद्रोही और कोई नहीं हो सकता। इसी प्रकार एक और उदाहरण घर का है, जैसे हमारे घर में नल आते हैं तो पानी का सदुपयोग करें। पानी का दुरुपयोग करना देशभक्ति नहीं है, पानी का सदुपयोग करना देशभक्ति है और पानी का दुरुपयोग करना देशद्रोह कहलाता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनके माध्यम से हम अपनी देशभक्ति व्यक्त करते हैं। और अभी तो वर्तमान में कोरोना संकट काल में आप देख ही रहे होंगे कि सारे लोग छोटे बच्चे से लेके वृद्ध तक किस प्रकार आगे आ रहे हैं। भले ही वो सीमा पर फौज में नहीं है, फौज में ही रहना देशभक्ति नहीं कहलाती है, अपना सहयोग देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाना देशभक्ति कहलाती है। कहानी यह बताती है कि बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें शामिल हैं। तो अब मैं चलती हूँ कहानी की ओर। इस कहानी में मुख्य रूप से तीन पात्र हैं। कहानी का नाम पहले भी मैंने आपको बता दिया था, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, नेताजी का चश्मा। इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। यह हिंदी क्षितिज गद्य खंड पाठ एक से लिया गया है। तो इसमें क्या है कि नेताजी के चश्मा में तीन मुख्य पात्र हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि हमारी कहानी में मुख्य रूप से तीन पात्र हैं। पहला पात्र है कहानी में, जो कि है एक हालदार साहब। और फिर दूसरा मुख्य पात्र है पान वाला। फिर तीसरा एक मुख्य पात्र है जो है कैप्टन चश्मे वाला। और एक और पात्र है जिसका जिक्र इस पाठ में कम हुआ है, वो है जीप का ड्राइवर। पहला है क्या? इस कहानी में मुख्य रूप से तीन पात्र हैं। वैसे तो इस कहानी में पांच पात्र हैं, लेकिन मुख्य रूप से तीन पात्र हैं। पहला पात्र है हालदार साहब, दूसरा पात्र है पान वाला, और तीसरा पात्र है कैप्टन चश्मे वाला। और दो जो अन्य पात्र हैं वह है, एक है ड्राइवर जो हालदार साहब की जीप चलाता है, और पांचवा पात्र है एक छोटा बच्चा जो कहानी के अंत में हमको नजर आएगा। ठीक है, तो अब कहानी इस प्रकार है कि ये जो हालदार साहब हैं, ये अपने किसी काम से एक कस्बे से गुजरते हैं। कस्बा, कस्बे का अर्थ होता है कि ना शहर से थोड़ा छोटा और गांव से थोड़ा बड़ा, इसे हम क्या कहते हैं? कस्बा कहते हैं, कस्बा। तो इस कस्बे से होकर के यह हालदार साहब प्रतिदिन गुजरते हैं अपने किसी न किसी कार्य से। तो जब हालदार साहब वहां से गुजरते हैं तो वहां जो उस कस्बे की हृदय स्थली है, हृदय स्थली किसे कहते हैं? हृदय स्थली कहते हैं बीच के भाग को, जिस प्रकार से कि हम देखते हैं दमोह नगर का हृदय स्थल घंटाघर कहलाता है। जी हाँ, घंटाघर जो है हमारे दमोह के बीचों बीच स्थित है, इसलिए घंटाघर को हृदय स्थल कहा जाता है। तो जिस प्रकार से कि घंटाघर है, इसी प्रकार से उस कस्बे में, उस कस्बे का जो हृदय स्थल है, वहां पर एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित है। आपने देखा होगा हमारे दमोह शहर में भी मुख्य चौराहों पर कोई ना कोई प्रतिमा स्थापित है ना? कहीं भीमराव अंबेडकर जी की है, कहीं महात्मा गांधी जी की है, कहीं महाराणा प्रताप की है। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न चौराहों पर भिन्न भिन्न मूर्तियां स्थापित हैं। और आपको एक बात और भी बता दूं कि ये जो चौराहों पर जो भी मूर्तियां स्थापित होती हैं उन्हें हम बस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? हम बस्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं बस्ट? क्योंकि ये जो मूर्तियां हैं वो
वक्ष से लेकर, वक्ष अर्थात सीने से लेकर के सिर तक की, टोपी तक की बनती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, बस्ट कहा जाता है। बस्ट अर्थात यहाँ पर बस्ट से तात्पर्य मूर्ति से ही है। तो अब मैं आपको बता रही थी कि किस प्रकार से